इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल में। जब भी भोपाल का जिक्र आता है तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात ज़रूर होती है। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 को यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली गैसों का रिसाव हुआ था। मेरे पीछे इस वक्त वही जगह है, यूनियन कार्बाइड का प्लांट। यूनियन कार्बाइड के प्लांट से 40 टन जहरीली गैसों का रिसाव हुआ था। उस वक्त भोपाल हिरोशिमा और नागासाकी से बिल्कुल भी कम नहीं था। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में 3,700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अगर हम अदालत में पेश किए गए दावों की बात करें उस हिसाब से अब तक 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन गैस पीड़ितों के ऊपर काम करने वाले एनजीओ का कहना है कि 1984 से लेकर अब तक भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुए लोगों की मौत, इसके अलावा उसकी बीमारियों से जिन भी लोगों की मौत हुई है, ऐसे लोगों की कुल संख्या 35,000 से ज़्यादा है। आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो इस यूरियन कार्बाइड के प्लांट के पास रहते हैं। मेरे साथ मौजूद है हनीफा बी का परिवार। इनके किसी ना किसी बच्चे को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद से ही कोई ना कोई परेशानी है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनको और इनके बच्चों को क्या परेशानी हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। हनीफा जी, आप बताइए कि जब ये गैस ट्रेजेडी हुई जी, तो उसके बाद आपके परिवार पर क्या असर पड़ा? मेरे तो आँखों पर असर पड़ा, और मैं सांस फूलने लगी, आँखों से कम दिखने लगा। और ये मेरा बच्चा इतने विकलांग हो गया, ये 6 महीने का था, उसके बाद से इसकी बोलने की शक्ति भी ख़त्म हो गई और ना इससे जबान कानों से सुनाई देता इसको। ये मेरा लड़का जो खड़ा हुआ बाजू में, इस लड़के की भी सांस फूलने लगी है कि बस इससे इतने थोड़ा सा चल पाता है का, तो सांस भरी आती है कि कोई काम नहीं करते बनता इससे। आपको क्या परेशानी महसूस होती है अभी भी, यानी इतने साल गुजरने के बाद भी? यही है कि बहुत सांस फूलती है और चलने फिरने में दिक्कत, इतनी परेशानी आती है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम करते बनता नहीं है, बैठे रहते हैं अपने घर पे। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कदम उठाए गए, आप लोग अस्पताल जाते हैं, तो क्या प्रशासन या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अलावा, जैसे भी चुनाव चल रहे हैं, तो क्या इस चीज़ पर कभी किसी का नज़र गया है? कई बार जैसे हर साल इसकी बरसी आती है, एनिवर्सरी आती है, तो उस दिन क्या होता है, या उसके अलावा कभी कुछ होता है आप लोगों की? आज तक कोई कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई? नहीं नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई है इसके बारे में। तो सिर्फ बरसी आती है तो बरसी मनाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, और चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पे ही बस मामला थोड़ा बहुत गर्म होता है, उसके बाद ना केंद्र सरकार सुनती है ना भारत सरकार, कोई नहीं सुनती। भोपाल गैस ट्रेजेडी को हुए 35 साल का वक्त गुजर चुका है। पिछले 30 सालों से भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। मध्य प्रदेश में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सरकार रही, लेकिन अभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का नज़र इन लोगों पर नहीं गई। चुनाव आते हैं और जाते रहेंगे, लेकिन लोगों का क्या, आम जनमानस के मुद्दों का क्या? इस चुनाव में मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है, लेकिन आम जनता के मुद्दे कोसों दूर हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से अंकुश चौबे, गो न्यूज़।